और जयपुर से अहम खबर है, पीटीईटी का परिणाम जारी किया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा परिणाम जारी कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें। जेएलएन रोड स्थित वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय केंद्र से ये परिणाम जारी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा परिणाम जारी कर रहे हैं। तो ये अहम तस्वीर आप जयपुर से देख रहे हैं। पीटीईटी का परिणाम जारी कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कुछ ही मिनट में परिणाम जारी करेंगे। जेएलएन रोड स्थित वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय केंद्र से ये परिणाम जारी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ ही देर में परिणाम जारी करेंगे। जयपुर से सीधी तस्वीर, पीटीईटी का परिणाम जारी किया जा रहा है। ये सारे प्रोग्राम चलते हैं, टोटल अभी 3.5 लाख है। हाँ, 1 लाख स्टूडेंट पर ईयर एडमिशन लेते हैं। ये 4 लाख ये साथ ही अपने राजस्थान में सेंटर से जहाँ बच्चा उसी एरिया का है तो वो कोटा क्यों आया, उसकी समस्या का समाधान वही। टोटल कितने हैं? 3.5 लाख, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एमए सब मिला के। धन्यवाद माननीय, आपके अवलोकन ने हमारी टीम के परिश्रम को सार्थक कर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब मैं स्वागत उद्बोधन हेतु निवेदन करता हूँ माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कैलाश उड़ानी जी से, कृपया स्वागत उद्बोधन सुना। पीजीटी 2024 के परीक्षा परिणाम को लेकर के जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय बैरवा साहब, हमारे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी श्रीमान सुनील कुमार जी, मैडम जायसवाल वाइस चांसलर और आप सभी पत्रकार बंधु, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में प्रति वर्ष लगभग 1 लाख एडमिशन होते हैं। मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि समाज में इस विश्वविद्यालय के प्रति पूरी जानकारी नहीं है और ये दिग्दर्शन भी इसीलिए कराया है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने ये सीधी तस्वीरें। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पीटीईटी परीक्षा 2024 का समयबद्ध संचालन कर समय पर परिणाम घोषित किए जाने पर सभी को बधाई। जैसा मेरी जानकारी में लाया गया है कि 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम में कुल 2,74,391 विद्यार्थियों में से लगभग 58% छात्राओं ने आवेदन किया, जिसमें से लगभग 90% छात्राओं ने भाग लिया, जिनकी संख्या छात्रों से अधिक है। इसके लिए भी मैं छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एजुकेशन में आजकल छात्राएं सबसे ज़्यादा अग्रणीय हैं। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम में कुल 1,35,332 विद्यार्थियों में से लगभग 65% छात्राओं ने आवेदन किया, जिसमें से लगभग 90% छात्राओं ने भाग लिया, जिनकी संख्या छात्रों से अधिक है। प्रदेश में महिला शिक्षा की स्थिति बेहतरीन हो रही है। छात्राओं का शिक्षा के प्रति रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसी कारण प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात देश के नामांकन अनुपात से अधिक हुआ है। बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही होती है। बच्चों की
सबसे प्रथम गुरु माई होती है और यदि छात्राएं बीएड करके विद्यालय में विद्यालय को मात्र तो सने से के साथ अध्ययन करवाएगी जिससे विद्यार्थियों की गुणात्मकता में सुधार होगा। आज पीटीटी परीक्षा 2024 में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं। परिणाम घोषित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। अब मैं चूंकि एक समय की अपनी सीमाएं हैं इसलिए मैं इस धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहूंगा माननीय अनुमति से। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से यह आयोजन सफल हुआ। सर, हम आपके प्रति अपना विनम्र धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं अपना